जिसे झारखंड ने पूछा तक नहीं उसे कर रही है ओडिशा की सरकार सम्मानित। मिलिए झारखंड के दशरथ मांझी से, जिन्होंने खुद के दम पर पूरे गांव की समस्या का किया निदान। एक ऐसा पंप जो चलता है सिर्फ पानी पर, जिस पैसे से बनाना था घर उससे बना डाला हाइड्रो पावर प्लांट। घर वाले करते रहे मना, पर जुनून ऐसा कि कर दिखाया असंभव। न पेट्रोल न कोयला, सिर्फ बहते पानी से दौड़ रहा करंट। आई ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी। सरकार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ आशुतोष आनंद, और इस वक्त हम रामगढ़ के दुलमी के ब्यांग गांव में मौजूद हैं। और आप यहां पर देखिए, यह टरबाइन जो चल रहा है और ये जो घर देख रहे हैं, यह घर बिजली घर है। छुआर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी। कुछ करके दिखाया है ब्यांग के इस लड़के ने। देखिए, लगातार है कि झारखंड में है और बिजली की कटौती से जो है लोग परेशान है। झारखंड के साथ साथ पूरे देश में जो है बिजली की बहुत संकट है, और बिजली से लोग काफ़ी गर्मी में परेशान हो जाते हैं, बिजली कटाव से परेशान हो जाते हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस छोटे से गांव में इस लड़के ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, और आप देख सकते हैं कि बिजली घर जो है इन्होंने बना दिया है। कहते हैं कि फिल्म में आई थी, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो कुछ ऐसा इन्होंने करके दिखाया है, सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। तो ऐसा ही कुछ किया है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो झारखंड में और पूरे देश में जो बिजली का जो समस्या है, और ऐसा ही नदी में ही बना के समस्या को दूर करने का सोच है। मतलब इस तरीके से जो आपने इनिशिएटिव लिया है, और इसी तरीके से अन्य ग्रामीण भी ले सकते हैं, बिजली की समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, अगर भारत में कई नदियां हैं, कई झीलें हैं और कई नहर हैं, अगर इस तरीके का इनिशिएटिव लें तो आपकी भी बिजली की समस्या जो है वो दूर हो सकती है, सभी ग्रामीण मिलकर। कितना खर्च लगेगा अगर इस तरीके से और भी अन्य ग्रामीण करेंगे तो क्या खर्च बैठेगा पूरा एक गांव को बिजली देने में? देखिए, जैसा बिजली उत्पादन का क्षमता होने पर खर्चा बढ़ेगा। फिर भी अगर मान के चलिए पूरा एक गांव में 100 घर है तो कितना खर्च पड़ जाएगा? 100 घर है तो इसमें वही 15-20 लाख के आसपास। 15-20 लाख के आसपास लगेगा, और बिजली की समस्या से जो है वो निजात पालेंगे। और अभी जो बिजली बिल आता है सबके घर में, उससे कितना कम पड़ेगा? उससे बहुत कम पड़ेगा। अंदाजा जितना अभी पड़ रहा है ना, उससे बहुत कम पड़ेगा। आधे दाम पे हाँ पड़ जाएगा, आधे दाम पर बिजली मिल सकता है। सोचिए, इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये यहाँ पर बिजली उत्पन्न करने का इनको आइडिया आया, और किस तरीके से इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। मेरा नाम केदार प्रसाद महतो। केदार प्रसाद महतो इनका नाम है। महतो जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये इनिशिएटिव करने का आपको कैसे आइडिया आया, कहाँ से आपने इस तरीके का करने का सोचा? ये आइडिया जैसे बचपन से ही करते करते, जैसे नदी नहाने आते थे तो बचपन में पंखा छोटा छोटा बना के ऐसा ही नदी में छोटा थोड़ा सा पानी करके और घुमा के और करते थे। उसके बाद उसमें एक थोड़ा डायनामो लगाते थे बना के, और उसी से करते करते सोचे कि धीरे धीरे अब बाद में कुछ साल के बाद बड़ा बनाएंगे, वही सोच रखे थे। और अभी उस सोच को अभी बनाए हैं, अभी फिलहाल अभी 5 किलोवाट पैदा किए हैं। 5 किलोवाट, मतलब बचपन से ही कुछ अलग करने का आप में हुनर था, ऐसे करते क्या हैं आप? ऐसे तो अभी तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन करते थे, वायरिंग का काम करते थे, और रांची बिजली विभाग कचहरी सेक्शन में किए थे काम, वहाँ का भी पैसा लगाए थे यहाँ पर। कितना पैसा लगा है इस पूरे बिजली प्लांट को बनाने में? बनाने में पूरे 3 लाख के आसपास खर्चा हो चुका है। 3 लाख, ये देखिए बड़ा अमाउंट है। एक गरीब परिवार के लड़के जो हैं पूरा 3 लाख इस बिजली प्लांट को बनाने में लगा चुके हैं। इधर आइए जरा सा, बिजली प्लांट को बनाने में लगा चुके हैं, और कहीं से कोई किसी की मदद मिली है? अभी तो कहीं से मदद नहीं मिली है,
मतलब रखा धरा पूंजी सारा जो आप यहाँ पर? हाँ, सारा पूंजी हम अपने से लगाए हैं और गांव के कुछ सहयोग किए हैं। अच्छा, गांव के लोग भी यहाँ पर सहयोग किए? हाँ, सहयोग किए थे। बात बताइए कि कितना दिन लगा ये बनाने में? ये बनाने में 6 महीना लगा था। 6 महीना आपको लग गया है? अच्छा, उसके बाद अभी जो बिजली उत्पन्न हो रही है, कितना वाट और कितने लोगों को आप बिजली दे पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है अभी इस बिजली? अभी इसमें 5000 वाट 5 किलोवाट बिजली पैदा जनरेट कर रहे हैं। 5 किलोवाट बिजली पैदा कर रहे हैं? हाँ, 440 वोल्ट करंट जनरेट हो रहा है और 220 वोल्ट में बल्ब जला रहे हैं और गांव के चौक चौराहा में भी दे रहे हैं। मतलब अभी जो ये बिजली उत्पन्न हो रहा है, ये गांव के चौक चौराहे में आप इसको यूज कर रहे हैं? हाँ। मतलब घरेलू उपयोग में भी नहीं है? अभी घरेलू उपयोग में नहीं है। क्या कारण है कि घरेलू उपयोग में अभी इस बिजली को नहीं ला पा रहे हैं? अभी इसलिए नहीं ला पा रहे हैं कि अगर एक घर में देंगे तो दूसरा घर बोलेगा उसको दिए हमको दीजिए, सब लड़ने लगेंगे, इसी लड़ाई करने लगेंगे, इसी चलते नहीं दिए अभी। कैसे क्या कुछ बना है, चले हमको शुरू से दिखाइए और किस तरीके से आपने ये परिश्रम किया है वो भी हमें बताइए। कैसे बनाए हैं, क्या कुछ है वो आप जरा सा हमें बताएंगे डिटेल में कि क्या कुछ कितना मेहनत करना पड़ा, 6 महीने के काम के बाद ये आप पूरा घर बना पाए हैं, तो क्या कुछ कैसे आइडिया है, किस तरीके से आपने बनाया? सबसे पहले बनाए हैं जैसे नदी से कलम खड़ा किए हैं और एक ठो नाला बनाए हैं, इसी नाला में टरबाइन लगाए हैं। और टरबाइन क्या खरीद के लाना पड़ा या नहीं? खुद अपने हाथ से बनाया। मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वो सब अपने खुद हाथ से बनाया? सब अपने हाथ से। हाँ। बनाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, ये बिजली घर आपका ये, और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पूरा मीटर है, कौन कौन सा यहाँ पर मीटर है? ये इसमें 440 वोल्ट करंट जनरेट हो रहा है, 440 वोल्ट का ये है ना, और इसमें 220 वोल्ट का करंट है, एसी करंट है, और 220 वोल्ट में बल्ब जल रही है। और आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक बड़ा सा मोटर लगा हुआ है, जो नीचे जो टरबाइन घूम रहा है उसी मोटर को, वो टरबाइन से इस मोटर को कनेक्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं मोटर की क्या स्पीड है, बेहतरीन मतलब ये जो है तरीके से जो यहाँ पर पूरा काम किया गया है। और बिजली का आप वोल्ट भी देख सकते हैं, 440 वोल्ट यहां पर उत्पन्न हो रहा है, 220 वोल्ट का एम्पियर मिल रहा है, और ये तमाम एम्पियर नहीं है, 220 वोल्ट करंट है। अच्छा, ये 220 वोल्ट करंट सिंगल फेज का? अच्छा, ये क्लियर फेज है, ये डबल फेज में है? डबल फेज 440 वोल्ट है, क्लियर फेज 220 वोल्ट है। और ये किस चीज़ का मीटर है? ये एम्पियर मीटर था, खराब हो गया। अच्छा, ये एम्पियर मीटर था जो खराब हो चुका है। तो ये फिलहाल ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गांव के एक लड़के ने छोटे से नदी में, देखिए आप दोनों तरफ से जो है पानी को बांधा गया है और बीच में पिलर देकर एक छोटा सा जो यहाँ पर है डैम बनाया गया है, और डैम में एक फाटक दिया गया है कि देखिए किस तरीके से फाटक को खोला जा रहा है। इस फाटक को जिस तरीके से ये खोल रहे हैं, खोलने के साथ ही पानी पास हो रहा है, और देखिए कि पानी पास होने के बाद ये टरबाइन जो है वो धीरे धीरे देखिए किस तरीके से वो स्पीड घूम रहा है। और इसी के साथ आप ऊपर आ जाइए और मोटर की स्पीड को भी देखिए कि किस तरीके से ये मोटर घूमना शुरू कर चुका है, ये लगातार मोटर का स्पीड बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप मीटर देखिएगा तो लगातार ये जो वोल्टेज है वो बढ़ता जा रहा है, और दोनों बल्ब की जो देखिए रोशनी वो किस तरीके से धीरे धीरे कर वो बढ़ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आइए फिर इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, सरकार के तरफ से क्या अपेक्षा आप रखते हैं? सरकार से तरफ से यही अपेक्षा रखते हैं कि सहयोग करें। सहयोग करें, क्या सहयोग आपको हो जाए और क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। अगर सरकार सहयोग करते हैं तो बड़ा बनाने का सोच है, और बिजली का जो समस्या है उसको इस गांव का वो दूर करने वाले। हाँ। कितना किलोवाट यहां से आप बिजली पैदा कर सकते हैं? यहाँ से तो हम 2000 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। 2000 किलोवाट यहाँ से बिजली पैदा करेंगे, इसका मतलब कि पूरा एक गांव को यहाँ से आप बिजली दे सकते हैं। हाँ, थ्री फेज का रहेगा। अच्छा, एक
बात ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी से बिजली आप उत्पन्न कर रहे हैं, गर्मी में कैसे बिजली उत्पन्न करेंगे? क्या गर्मी में भी यहाँ पर पानी रहता है? हाँ, 24 घंटा रहता है पानी। 24 मतलब 12 मास 24 घंटा यहाँ पर? हाँ, तो गर्मी में 24 घंटा। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए मिलने के लिए आपको? हाँ, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी आए हैं और आश्वासन दे के चला गए हैं। मतलब गिरिडीह के सांसद आए हैं और वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, पूरा गांव को जो है वो सरकारी बिजली मुक्त करेंगे। जी, यही कहने का मतलब है। तो और कहीं से किसी भी तरीके से कोई झारखंड सरकार या कहीं से कोई अभी तक कहीं से नहीं, कोई भी किसी तरीके से कहीं कोई नहीं, कहीं से कोई बुलावट आया है आपको किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं तो कहीं पुरस्कार भी कुछ मिला है? हाँ, उड़ीसा से मिला था। कहाँ से क्या मिला है? अवार्ड मिला है। कहाँ से अवार्ड मिला है? उड़ीसा से। उड़ीसा से कौन सा अवार्ड मिला है? मिनी हाइड्रो पावर प्लांट के। तो बता दें कि ये इनिशिएटिव के लिए उड़ीसा से इनको अवार्ड मिला है। झारखंड बिहार से दूर चले जाइए, उड़ीसा से इनको अवार्ड मिला है और झारखंड सरकार की नज़र में जो ये नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। झारखंड के छोटे से गांव में इस तरीके से लोग जो है अपनी हुनर को पेश करते हैं और उसके बाद भी जो है इनको यहाँ से सम्मान नहीं मिलता है और उड़ीसा से ये सम्मानित हो जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है, झारखंड सरकार से सम्मान नहीं मिला, उड़ीसा से सम्मान मिलेगा? दुख है इस बात का? हाँ, दुख तो है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस उर्मी प्रखंड के ब्यांग गांव में जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना मनमोहक ये दृश्य है और उस दृश्य के बीच में ये छोटा सा इनिशिएटिव जो है एक लड़का कर जाता है, गाँव का एक लड़का कर जाता है। यहाँ से दूर किसी अन्य राज्य से इन्हें पुरस्कार मिल जाता है और झारखंड सरकार जो है इस ओर ध्यान भी नहीं दे पाती है। हम चाहेंगे अपने खबर से कि यहाँ के लोगों की झारखंड सरकार मदद करे और बिजली मुक्त ये गांव बनाए। जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी बिजली की किल्लत होती है और ऐसे किल्लत से भी ये गांव बच सकता है और बिजली के खर्च से भी बच सकता है। बस ज़रूरत है तो सरकार के सपोर्ट के, सरकार की सहयोग की। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ एक ग्रामीण है, इस नदी में बैठे हुए हैं। इनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे इस लड़के को देखकर, कितना आनंद महसूस होता है कि इस छोटे से गांव के एक लड़के ने इस तरीके से कारनामा करके दिखाया है, बिजली हाउस बना दिया है, यहाँ पर टरबाइन से बिजली उत्पन्न हो रहा है, पूरे गाँव का चौक चौराहा जो है रोशन हो रहा है। क्या कहेंगे जी? पूरा गाँव का मंदिर मस्जिद चौक चौराहा में बिजली देता है मुफ्त में। और इसका कहना है कि हमको गांव वाला सहयोग करे तो पूरा गांव को हम सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के आधे दाम पर। गवर्नमेंट के आधे दाम पर बिजली यहां से मतलब प्राप्त हो सकता है? हो सकता है। और बिजली जाने की झंझट भी नहीं रहेगी? झंझट भी नहीं रहेगी, बिजली कटने का कोई संभावना नहीं, बिजली कटने का कोई संभावना नहीं। अच्छा, कितना मेहनत किया है ये लड़का? ये लड़का बहुत मेहनत किया है, रात दिन इसी में लगल रहता है, रात दिन इसी में घर से गाली गलौज सुनता है लेकिन उस सब दरकिनार करके इसी में लगल रहता है। घर से गाली गलौज सुन कर ये काम? अपने से कुछ ग्रामीण लोग मदद किया है, बाकी सब अपना पूंजी है, सब अपना पूंजी। इनका कहना है कि हमको 20-25 लाख अगर मिल जाए मदद की दूर से गांव वाला चंदा करके दे तो हम पूरा गांव को सप्लाई कर देंगे। और 20-25 लाख मिल जाएगा तो पूरे गांव को बिजली दे देगा। हाँ, और उस पर भी आधे दाम पर, उस पर भी आधे दाम पर हो जाएगा, गवर्नमेंट के आधे दाम पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार है, ज़रूरत है तो यहाँ कुछ और पैसे का इन्वेस्टमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट की सहायता चाहते हैं, गवर्नमेंट की सहायता ये चाहते हैं ताकि पूरे गांव को आधे दाम पर बिजली दिया। इनसे कुछ और भी बातचीत करते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है जी? ये बता रहे हैं कि घर में भी आप गाली सुनते हैं यहाँ पर जब आप काम करते हैं, घर का सारा पूंजी लगा दिया, तो कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ। कितने बाल बच्चे हैं? दो बाल बच्चे हैं। कितना उम्र हो रहा है उनका? एक का वही हो रहा है 5-6 साल। 5-6 साल हो रहा है। अच्छा, घर का जो सारा पूंजी लगा दिया तो घर में क्या कुछ बोला गया? नहीं बोलते थे, लेकिन घर में डांट मिलती थी। दिन रात आप यहाँ लगे रहते थे, उस चीज़ को लेकर डांट मिलती थी। थोड़ा कुछ बोलते थे कि थोड़ा इधर भी काम देखिए, उसके बाद जाइए करिए, इधर भी काम देखिए उसके बाद जाइए। कुछ अच्छा हो जाने के बाद जो है घर वालों की भी नाराजगी दूर हो जाती है, जैसे कि साफ तौर पर यहाँ अंकल कह रहे थे कि इसको बनाने में जो है कड़ी मेहनत हुई है और इस मेहनत में जो है इनका सारा पूंजी लग गया है, कुछ गांव के लोग भी सपोर्ट किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलनाथ महतो है।
कमलनाथ महतो जी, आप क्या चाहते हैं? आप हम तो चाहते हैं कि गांव वाला से मदद मिल जाए और गांव वाला को पूरा सप्लाई करें। मतलब आप चाहते हैं कि गांव वाला मदद करे, यहां से बिजली जो है वो आधे दाम पर पूरा गांव को सप्लाई करे। अभी भी देते हैं शादी ब्याह मरखी उरखी में सप्लाई देते हैं फ्री। मतलब अभी भी जो है ये बिजली जो है गांव के काम में आते हैं, आ रहा है। तो देख सकते हैं कि लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटे से गांव से जो है इस तरीके का इनिशिएटिव जो है एक लड़का कर जाता है और यहां पर सरकारी मदद नहीं मिल पाती है। ये खबर इतना हाल फिलहाल में इतना वायरल हुआ था, उसके बाद जो है इन्हें जगह उड़ीसा से इन्हें पुरस्कार भी मिलता है और उसके बाद जो है झारखंड सरकार को इस ओर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं जा पाता है, लेकिन ज़रूरत है इस ओर ध्यान देने की और इस छोटे से पहल को बड़े पहल में बदलने की, ताकि पूरा गांव का रोशनी जो है इस प्लांट से हो सके और झारखंड सरकार का भी बिजली बचे और यहां के ग्रामीणों को भी आधे दाम पर बिजली मिले। तो बने रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।